Hello everyone, welcome on Grasping Python. Today we are going to discuss instant assessment tool for online classroom, means real time formative assessment tool. It means इस वीडियो में हम बात करेंगे real time पे आप बच्चों का formative assessment कैसे करना है और कैसे आप बच्चों का assessment ले सकते हैं real time पे. काफ़ी useful tool है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं. Especially primary classes के तो बहुत ज़्यादा useful tool मुझे ये लगा. इस टूल में रियल टाइम पे जो सब्जेक्ट टीचर है वो अपनी प्रॉब्लम व्हाइट बोर्ड पे लिखेगा और वही प्रॉब्लम बच्चों के साथ डिस्प्ले हो जाएगा, बच्चों के सामने डिस्प्ले हो जाएगा और हर एक बच्चे को इंडिविजुअली व्हाइट बोर्ड अपना मिलेगा. उस व्हाइट बोर्ड पे बच्चा अपना रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा और रियल टाइम पे जो भी बच्चा रेस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा होगा वो टीचर के व्हाइट बोर्ड पे या टीचर के डेस्क पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा. तो काफ़ी अच्छा टूल है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए और अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर इसको आप यूज़ करने की कोशिश करिए असेसमेंट के लिए. अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज तो इसका ये है कि इंस्टेंट एक्सेस कर रहे हो आप इसमें. इट मीन्स आप बच्चे को होमवर्क दे रहे हैं, देन उसके बाद बच्चा सबमिट कर रहा है, कितने दिनों बाद सबमिट कर रहा है, ऐसा नहीं है. इंस्टेंटली आपने क्वेश्चन डिस्प्ले किया, बच्चे ने उसका रेस्पॉन्स प्रोवाइड किया और आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा. दूसरा इसका एडवांटेज है डिवाइस इंडिपेंडेंट है, आप इसको मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, लैपटॉप डेस्कटॉप पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. देन तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है प्राइवेसी का, इसके अंदर कहीं पे भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा, कहीं पे आपसे लॉगिन नहीं करवाएगा, आप जस्ट इसको यूज कर सकते हैं. इसके अंदर मैथमेटिक्स के भी कुछ टूल्स पहले से अवेलेबल है और इसके अंदर जो भी इंटरेक्शन होगा वो लाइव होगा. बच्चा जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, बच्चों का यहाँ पे कार्टून टाइप के बच्चे दिखा रखे हैं, हर बच्चे का अपना व्हाइट बोर्ड होगा, बच्चे को क्वेश्चन डिस्प्ले होगा अपनी स्क्रीन पे और बच्चा उसके रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा और रियल टाइम पे वो रेस्पॉन्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा. तो शुरू करते हैं. एक वेबसाइट आपको ओपन करनी पड़ेगी, whiteboard.fi, फ्री ऑनलाइन व्हाइट बोर्ड टूल फॉर टीचर एंड क्लासरूम. तो हम चलते हैं किसी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर, आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं. जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने गूगल क्रोम ओपन किया और यहाँ पे मैंने क्या ओपन किया, whiteboard.fi. whiteboard.fi जैसे आप ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा. एज ए सब्जेक्ट टीचर आपको यहाँ पे न्यू क्लास में जाना है और अपने बच्चों को बताना है कि वो किस पे जाएंगे, ज्वाइन क्लास पे. बच्चे ज्वाइन क्लास पे कैसे ज्वाइन करेंगे उसका भी अभी मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए. एज ए सब्जेक्ट टीचर टीचर को क्या करना है, यहाँ पे न्यू क्लासेस पे जाना है. न्यू क्लास में जाके यहाँ पे अपने क्लास का टेस्ट जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा चैप्टर 1 टेस्ट, ठीक है. और इसमें यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर है इनेबल वेटिंग रूम लॉबी, इनेबल इमेज अपलोड फॉर स्टूडेंट. इसमें आप एज पर द रिक्वायरमेंट आप सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं. अब जैसे मैंने यहाँ पे इनेबल इमेज लोड फॉर स्टूडेंट कर दिया तो इसमें क्या होगा, बच्चा इसके अंदर इमेज डाल सकता है रिप्लाई करते वक्त. तो वो सेटिंग आपको देख लेनी है, उसके अकॉर्डिंग आप यह डिस्क्रिप्शन में दे रखी ये चीज़ें, आप इनको पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेटिंग्स में इसको आप यूज कर सकते हैं. देन इसके बाद मैंने क्या किया, क्रिएट क्लास कर दिया. यहाँ पे नीचे बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने इस पर क्लिक किया क्रिएट न्यू क्लास. जैसे मैंने क्रिएट न्यू क्लास पे क्रिएट किया तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर आपको दिखाई दे रहा है रूम कोड जिसके अंदर R898967. ये हर बार आपके जैसे क्लास क्रिएट करेंगे वैसे चेंज होगा. यहाँ पे माई क्लास का एक टैब दे रखा है और दूसरा दे रखा है आपको व्हाइट बोर्ड का टैब. व्हाइट बोर्ड पे आप क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा. माई क्लास पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का. और दूसरी चीज़ यहाँ पे दे रखा है स्टूडेंट कैन नाउ एक्सेस दिस क्लास बाय यूजिंग दिस यूआरएल. ये आपका यूआरएल दे रखा है. अब इस यूआरएल को आप बच्चे के साथ भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, या बच्चों को आप ये क्लास कोड आप शेयर करेंगे, ठीक है. बच्चा इस क्लास कोड को यूज करके आपका व्हाइट बोर्ड को ज्वाइन करेगा. अब वो कैसे ज्वाइन करेगा वो आप देखिए. अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बच्चे का एक डिवाइस है जिसको मैं इस बच्चे के डिवाइस की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. मैंने यहाँ पे क्या किया, क्रोम ओपन किया. क्रोम के अंदर यहाँ पे मैंने टाइप किया whiteboard.fi. जैसे मैं whiteboard.fi टाइप करता हूँ तो वही इंटरफेस ओपन होगा जैसा कि जैसे टीचर के लिए ओपन हुआ था.
यहाँ पे बच्चे को ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना है और बच्चे को आप कोड बताएंगे, जो कोड आपका अभी डिस्प्ले हुआ था वो कोड आप बच्चे को बता दीजिए, या फिर आपने लिंक शेयर कर रखा होगा तो उस लिंक में लास्ट वाला जो डिजिट होता है वो आपका कोड होता है। यहाँ पे देखिए ये आपका कोड है, इस कोड को बच्चा यहाँ एंटर करेगा, या फिर आप यहाँ पे इसको स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रखा है R8967, ये आपका क्लास का कोड है। ठीक है, ये कोड आप बच्चे को बताइए या फिर ये लिंक जो आप देखेंगे, क्योंकि ये whiteboard.fi आपका वेबसाइट है और ये आपका लिंक है, कोड है, ये कोड आपका बच्चा वहाँ पे एंटर करेगा। एक बार फिर समझिए, बच्चे का डिवाइस है वो आपका मोबाइल से भी कर सकता है, लैपटॉप से भी कर सकता है, या किसी आईपैड या नोटपैड से भी कर सकता है। उसको अपना कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करना है, वेब ब्राउज़र में उसको टाइप करना है whiteboard.fi, ये टाइप किया, फिर यहाँ पे उसको क्या करना है, ज्वाइन क्लास पे क्लिक करना है क्योंकि एज ए स्टूडेंट है, और यहाँ पे आपने उसको रूम कोड शेयर किया होगा या लिंक शेयर किया होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचेगा, और आप यहाँ पे उसका रूम कोड डाल दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे भी रूम कोड डालता हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है। देन इसके बाद आप इस पर क्लिक करिए, ज्वाइन क्लास पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही बच्चा ज्वाइन क्लास पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे बच्चे से नाम पूछेगा, आप यहाँ पे बच्चे को बोलिए अपना जो स्कूल के अंदर ओरिजिनल नेम है वो टाइप करिए। जैसे मैं फ़िलहाल इसको कबीर के नाम से ज्वाइन करता हूँ, और यहाँ पे आप करेंगे ज्वाइन व्हाइट बोर्ड क्लासेज, इस पर आप क्लिक करिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये बच्चे के लिए आपका व्हाइट बोर्ड आ चुका है, बच्चा इसके अंदर लिख सकता है जो भी चीज़ें लिखेगा। ठीक है, इसमें ये पेन है आपका स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, देन इसके बाद ये इरेजर है, ये आपका पेन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इरेजर है, ये टेक्स्ट है, इन पे सब पे आप क्लिक कर करके ये शेप्स दे रखी है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेक्टेंगल है, फिर यहाँ पे ये सर्किल है, देन यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो पेन यूज करके स्टूडेंट इसका रिप्लाई कर सकता है जो भी वो लिखना चाहेगा। यहाँ से बैकग्राउंड वो चेक कर सकता है। देन आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है, तो जैसे ही क्लियर व्हाइट बोर्ड पे करेगा तो वो सारा का सारा यहाँ से इरेज हो जाएगा। यहाँ से वो इमेज भी इंसर्ट कर सकता है क्योंकि मैंने उसको डिसेबल कर रखा है, फ़ोटो लेके वो भेज सकता है, फ़ोटो लाइब्रेरी में से वो भेज सकता है। तो इस तरीके से बच्चा यहाँ पे अपना रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। आप ऊपर देखेंगे इस जगह पर आपको ये दिखाई दे रहा है टॉगल्ड टीचर व्हाइट बोर्ड, जब इस पर अगर बच्चा क्लिक करेगा तो इसके अंदर टीचर का व्हाइट बोर्ड दिखाई देगा, यहाँ पे टीचर ने जो लिखा होगा। देखिए अभी टीचर ने कुछ नहीं लिख रखा है तो इस बच्चे को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, वापस इस पर क्लिक करेगा तो ये हाइड हो जाएगा, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चा जो लिखेगा वो रियल टाइम पे टीचर के डेस्क पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अब देखिए मैं आपको टीचर की डेस्क शेयर करता हूँ, जैसा कि आपने अभी देखा टीचर की डेस्क के अंदर कबीर जो स्टूडेंट था उसका व्हाइट बोर्ड यहाँ पे आ चुका है। ऐसे जितने भी बच्चे होंगे उनका व्हाइट बोर्ड यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। टीचर का व्हाइट बोर्ड माई व्हाइट बोर्ड पे जाएगा तो यहाँ पे टीचर का व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेगा तो ये टीचर का व्हाइट बोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पे टीचर जो भी लिखेगा, सपोज कर लीजिए यहाँ पे टीचर ने लिखा कुछ भी लिख दिया, सपोज कर लीजिए उसने लिखा यहाँ पे KVS, ठीक है, यहाँ पे अपना कोई भी एक क्वेश्चन हो सकता है। अब इस चीज़ को जैसे वो क्लासरूम पे जाएगा तो यहाँ पे तो कुछ दिखाएगा नहीं अभी कबीर के रेस्पॉन्स के अंदर, बट अगर मैं कबीर की रेस्पॉन्स वहाँ पे देखता हूँ इस जगह पे, और यहाँ पे आप देखेंगे इसके टीचर का जो स्टूडेंट्स का स्क्रीन है उस पर अगर मैं टॉगल टीचर व्हाइट बोर्ड पर क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर देखिए क्या दिखाई देगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा तो ये टॉगल क्लासरूम के अंदर जो टीचर ने वहाँ पर लिखा था वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए व्हाइट बोर्ड में टीचर पे आया, मैं इस जगह पे यहाँ पे क्या किया, कलर सेलेक्ट किया, कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा दिल्ली, तो देखिए जिस तरीके से मैं यहाँ पे दिल्ली लिख रहा हूँ वो का वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रहा है ऑन रियल टाइम पे, DELHI दिल्ली। ठीक है, इस तरीके से आपका ये रिफ्लेक्शन वहाँ पर हो रहा है बच्चे के उस पर। ठीक है, और बच्चा जो भी रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा वो रेस्पॉन्स आपका बच्चे वाले सीट पे रिफ्लेक्ट होगा। अब देखिए इसमें डेली यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे वापस बाहर आता हूँ क्लासरूम में, क्लासरूम में बच्चे ने को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और ये जो नीचे वाला बोर्ड है आप देखेंगे इस जगह पे अगर आप देखेंगे ये वाली चीज़, तो ये बच्चे के सेक्शन पे आप जाइए और बच्चा इस सेक्शन के अंदर जो भी लिखेगा वो टीचर को वहाँ पर दिखाई देगा। बच्चे ने यहाँ पर पेन सेलेक्ट किया और यहाँ पर लिखा हाई, तो ये बच्चा रेस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहा है। जैसे उसने हाई लिखा तो देखिए कबीर का जो वाइट बोर्ड है उस पर हाई रिफ्लेक्ट हो गया, आई एम फाइन, जैसे जैसे वो लिख रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पे, देखिए। तो यहाँ से बच्चे का रेस्पॉन्स यहाँ पे आपको रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से रियल टाइम पे सारा का सारा काम हो रहा है। अब यहाँ पर हम प्रैक्टिकली इसको और इम्प्लीमेंट करते हैं।
तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी मेरी क्लास के अंदर केवल एक ही स्टूडेंट है, कबीर नाम का स्टूडेंट, उसने ज्वाइन कर रखा है। व्हाइट बोर्ड भी अभी ब्लैंक है, इस पर मैंने कुछ नहीं लिख रखा है। मैंने ये क्लास कोड मेरे कुछ साथी हैं उनको मैंने दिया है और उनको बोला है कि आपको ज्वाइन करना है। तो जैसे ही वो क्लास को ज्वाइन करेंगे तो माई क्लास के अंदर आप देखेंगे उनके बच्चों के व्हाइट बोर्ड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। देखिए अभी आदित्य ने ज्वाइन कर लिया है तो उसका नेम डिस्प्ले हो गया, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी मैंने और भी बच्चे को बोल रखा है, वो भी बच्चे ज्वाइन करेगा। अब देखें यहाँ पे निकुंज ने ज्वाइन किया, विवेक कुमार ने ज्वाइन किया, आदित्य वहाँ पे स्क्रीन पे कुछ लिख भी रहा है। तो ये बच्चों का व्हाइट बोर्ड क्लास माई क्लास के अंदर बच्चों का व्हाइट बोर्ड डिस्प्ले हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे व्हाइट बोर्ड पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं बच्चों के लिए क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिख देता हूँ। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, 4 + 5। तो मैंने यहाँ से क्या सिलेक्ट किया, पेन सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने लिखा 4। यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ, मैंने यहाँ से पेन सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे लिखा 4 + 5। पेन सेलेक्ट करने के बाद 4 + 5 = और बच्चों के लिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो अब देखिए क्या करना है, जब आप ये क्वेश्चन लिख देंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं एक्शन के अंदर जाएंगे, यहाँ पे फ्लश व्हाइट बोर्ड टू ऑल स्टूडेंट पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप यहाँ पे फ्लश व्हाइट बोर्ड टू या पुश व्हाइट बोर्ड टू ऑल स्टूडेंट करेंगे तो ये पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड जो है, जो मैंने लिख रखा है, वो बच्चों के सामने डिस्प्ले हो चुका है और बच्चे क्या करेंगे, इस पर रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप बच्चों का स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन डिस्प्ले हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब बच्चों को क्या करना है, वो अपना जो व्हाइट बोर्ड आ रखा है बच्चों का, उसमें जाके बच्चों को अपने इस क्वेश्चन का रेस्पॉन्स प्रोवाइड करना है। तो देखिए कुछ बच्चे भी रेस्पॉन्स प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं आदित्य ने रिप्लाई किया 9। अभी हम वेट कर रहे हैं, बच्चों को हमने बोल रखा है कि जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, तो जल्दी जल्दी रिप्लाई करिए। अब जैसे कबीर रिप्लाई कर रहा है, यहाँ पे कबीर ने लिखा 4 + 5 = 9। और आप देखेंगे कबीर ने यहाँ पे इंक भी अलग यूज कर रखी है अपनी, तो इस तरीके से कबीर का रिप्लाई आ जाएगा। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे निकुंज, विवेक कुमार, माही धीमान ने भी ज्वाइन किया है, उसका भी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। देखिए माही धीमान का भी रिजल्ट 9 आ चुका है, ऐसे निकुंज कुमार ने भी रिजल्ट 9 दे दिया है, विवेक कुमार ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। ओके, विवेक कुमार का भी रिजल्ट 9 आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों का रियल टाइम पे रेस्पॉन्स हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ये इस तरीके से आपको क्या करना है, टेस्ट लेना है। टेस्ट लेने के बाद आप इस रिकॉर्ड को सेव कर सकते हैं PDF फाइल के अंदर। और अगर आप चाहते हैं और दूसरा क्वेश्चन देना तो यहाँ पर देखिए व्हाइट बोर्ड पर जाइए, आप अपने व्हाइट बोर्ड को क्लियर कर दीजिए। क्लियर करने के बाद यहाँ पे आप देखिए पैटर्न वगैरह आप देखेंगे तो कई सारे पैटर्न्स यहाँ पे दे रखे हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं एक्शन के अंदर जाकर भी। ठीक है, पैटर्न लेयर और इंसर्ट में आप जाइए, ग्रिड पे जाएंगे तो यहाँ पे लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। और मैं यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ जिसका अभी बच्चे मुझे रिप्लाई करेंगे, तो देखते हैं। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे कलर लिखा और क्वेश्चन लिख दिया, सपोज कर लीजिए व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और मैं ये क्वेश्चन बच्चों से पूछना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिखा, लिखने के बाद मैंने क्या किया, फ्लश करता हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन को, और जैसे मैंने फ्लश किया तो ये बच्चों के पास पहुँच चुका है। और अब मैं यहाँ पे माई क्लास में जाता हूँ तो देखिए रियल टाइम पे रेस्पॉन्स क्या आता है। यहाँ पे देखिए हर बच्चे का क्वेश्चन डिस्प्ले हो चुका है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। आदित्य ने यहाँ पे इरेज कर दिया, अपना आंसर लिख रहा है। ऐसे ही निकुंज यहाँ पे रिप्लाई कर रहा है, उन्होंने एन लिखा है। देखिए हर बच्चे का रियल टाइम पे रेस्पॉन्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और ये रिकॉर्ड आपका रियल टाइम रेस्पॉन्स है, बच्चे वहाँ पे रिप्लाई कर रहे हैं। देखिए निकुंज कुमार न्यू दिल्ली लिख रहा है, आदित्य ने न्यू दिल्ली लिख दिया है, माही धीमान भी दिल्ली लिख रहे हैं, कबीर ने अभी रिप्लाई नहीं किया है तो देखिए कबीर भी रिप्लाई करेगा दिल्ली, उसने डी लिखा कबीर ने। देखिए हर बच्चा रिप्लाई कर रहा है, तो इस तरीके से जैसे देख लीजिए अब कबीर भी रिप्लाई कर रहा है,
कबीर ने भी रिप्लाई कर दिया, देखिए डेली लिख दिया है। तो यहाँ पे हर बच्चे का रिप्लाई आ गया है। अभी विवेक कुमार ने फिर रिप्लाई नहीं किया, पता नहीं कहाँ गया है बच्चा। आ गया रिप्लाई, और देखिए कितनी अच्छी हैंडराइटिंग में विवेक कुमार ने रिप्लाई किया है। इस तरीके से क्या होगा कि हम रियल टाइम पे बच्चों का ऑनलाइन असेसमेंट कर सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका डिस्प्ले हुआ, बच्चों ने रिप्लाई किया, तो मैक्सिमम अपने 50 स्टूडेंट्स इस क्लास के अंदर ऐसे रिप्लाई कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी अपग्रेड अभी और होने वाले हैं। अब आप चाहते हैं कि इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं कि इस बच्चे ने क्या रिप्लाई किया, तो आप यहाँ पे जाइए सेटिंग के अंदर, और यहाँ पे देखिए क्या ऑप्शन दे रखा है, सेव टू ऑल व्हाइट बोर्ड एज PDF। इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ से क्या करेंगे आप, पूरा का पूरा जो पेपर है क्वेश्चन है ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कस्टम नोट ऑप्शनल है, तो मैं इस पे सेव एज PDF करता हूँ। देखिए जैसे मैं PDF सेव हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए फाइल आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, सेव हो रही है। सेव होने के बाद आदित्य ने डेली आंसर दिया, कबीर ने डेली लिखा, ऐसे माही दीमान ने क्वेश्चन के साथ साथ न्यू दिल्ली लिखा, और विवेक ने यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा, निकुंज ने भी यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा। तो इस तरीके से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने रिकॉर्ड के लिए आप इसको सेव कर सकते हैं, फ्यूचर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका ऑनलाइन असेसमेंट टूल जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और प्राइमरी सेक्शन के लिए तो बहुत ही यूजफुल है ये। इसमें ना तो बच्चे से कहीं लॉग इन करवा रहा है, ना ही बच्चे से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा है। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, यह आपका ड्राइंग टूल है, इरेजर है, टेक्स्ट अगर आपको लिखना है तो इस पे टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप इसमें अपने टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप लाइन एरो वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रायंगल स्पेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये रेक्टेंगल है, यहाँ से आप सर्किल ले सकते हैं, यहाँ से आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इसको क्लियर करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए क्लियर व्हाइट बोर्ड है, इस पर आप क्लिक करिए, और यहाँ से आप एक इमेज इंसर्ट करने के बाद बच्चों से इमेज के बारे में पूछ लीजिए, जहाँ से भी आपके सिस्टम के अंदर इमेज पड़ी हुई है उस इमेज को उठाइए, और उस इमेज के बारे में बच्चे से एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये क्या है ये क्या है, बच्चा आपका रिप्लाई करेगा। देन इसके बाद यहाँ पे आएंगे, तो इसमें आपका ये बॉर्डर वगैरह दे रखा है, कैपेसिटी के अंदर आपका ये साइज वगैरह आप इसको वो कर सकते हैं, लाइट ब्राइट डार्क। देन एक्शन के अंदर आप देखेंगे तो फ्लश व्हाइट बोर्ड टू ऑल स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बच्चों की स्क्रीन पे ये क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा। देन इसके बाद पैटर्न लेयर पे जाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, और बच्चों के साथ क्या हो जाएंगे, प्लेनेट ऑल ऑब्जेक्ट वेयर सेव इन टू द बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, देन इसके बाद आप इस पे इंसर्ट पे जाएंगे तो यहाँ पे ग्रिड स्मॉल, ग्रिड लार्ज और मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें कर सकते हैं, तो ये मैथमेटिक्स के फॉर्मूले वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से मैथमेटिक्स की कुछ फॉर्मूले वगैरह है, तो ये देखिए मैंने जैसे इंसर्ट किया तो ये इंसर्ट हो चुका है। इस तरीके से आप इक्वेशन बना सकते हैं। देन इसके बाद इसमें आपको नेक्स्ट एक ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, ग्रिड वाला। अगर आप ग्रिड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न आपके सामने बन जाएगा, और उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये था रियल टाइम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को असेसमेंट करना, बच्चों का असेसमेंट करना, और उसका रिकॉर्ड आप एक PDF फाइल में सेव कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट का भी स्क्रीन दिखाई दिया दिखाया आपको, और किस तरीके से स्टूडेंट इसको रेस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे टीचर ने चैप्टर वन का टेस्ट लिया है, टॉगल टीचर पे क्लिक करेगा तो वो डिस्प्ले हो जाता है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा, अगर आपको यूजफुल लगा है तो आप अपने बच्चों के साथ शेयर करिए, बच्चे किस तरीके से इसमें रेस्पॉन्स प्रोवाइड करेंगे, और आप इस चीज़ को अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे यूज़ करेंगे ये भी आपको समझ में आया होगा। और कोशिश करिए अगर आप इस तरीके से इंटरेक्टिव सेशन करते हैं तो बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा, और प्राइमरी के बच्चे को तो स्पेशली बहुत अच्छा लगेगा, और वो बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जो whiteboard.fi है, इसके जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई पूछना चाहते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, और वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि वो इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर रियल टाइम असेसमेंट के लिए इसको यूज़ कर सकें। और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और भी कई अच्छे अच्छे असेसमेंट टूल हम आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।